नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। बिहार के दरभंगा में दिन प्रतिदिन बढ़ती पेट्रोल की कीमतों को लेकर जन अधिकार पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया और इसी के साथ एक पुरानी बाइक को जलाकर विरोध भी जताया गया। बिहार के दरभंगा में जन अधिकार पार्टी की ओर से दिन प्रतिदिन पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर विरोध मार्च निकाला गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शाह पार्षद डॉक्टर अब्दुल सलाम खान ने किया। ये विरोध मार्च फैजुल्ला खां के आवास स्थित जिला कार्यालय से बैलगाड़ी पर अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। प्रदर्शन मौलानागंज कोतवाली चौक, खानखा चौक, मिर्जापुर चौक, राजकुमार गंज होते हुए आयकर चौक पहुंचा, जहां एक पुरानी बाइक को जलाकर विरोध जताया गया। इस विरोध प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष जमुना खान ने कहा कि पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पेट्रोल का दाम डीजल से कम है। ऐसी निकम्मी सरकार जो सत्ता में आने के लिए पेट्रोल और गैस को अपना मुद्दा बनाया, आज की सरकार अपने आप को असमर्थ बता रही है, फिर भी ऐसी सरकार का सत्ता में रहना क्या उचित बनता है। मैं सीधे तौर पर केंद्र सरकार से ये मांग करता हूँ कि जो 2013 से 2014 में कच्चे तेल के दाम थे, आज भी कच्चे तेल का दाम प्रति बैरल वही है, तो फिर भारत की जनता को डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ाकर कैसे लिया जा रहा है। सीधे तौर पर पूंजीवादियों को पूरी तरह खुली छूट दे दी गई है कि गरीब जनता का खून चूसकर बर्बाद कर दो, उनको देश की उन्नति और तरक्की से कोई मतलब नहीं है। आज डीजल का दाम बढ़ जाने से किसानों और ट्रक मालिकों, टैक्सी मालिकों के अलावा सीधे तौर पर इससे जुड़े तमाम लोगों पर पड़ेगा। चीजें महंगी होंगी, इसका जिम्मेदार कौन है। वहीं दूसरी ओर पार्टी के युवा अध्यक्ष चुनमुन यादव ने कहा कि जो निकम्मी सरकार पेट्रोल डीजल और देश की सीमा सुरक्षा के ऊपर आवाज उठाकर सत्ता में आई थी, आज वही सरकार नपुंसक बनकर बैठ गई है। सरकार को जवाबदेही तय करनी होगी, आखिर कब तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। डीजल और पेट्रोल के बढ़ जाने की वजह से केंद्र सरकार के खिलाफ और बिहार सरकार में जो दरोगा की बहाली या जो पुलिस की बहाली हुई है, उसके अंदर जो छात्रों के साथ जो निंदा की जा रही है, उसके खिलाफ किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है। आज देख लीजिए कि सारे दुनिया में 38 रुपए प्रति 38 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से कच्चा तेल मिल रहा है, लेकिन आपको एक लीटर डीजल जो है वो 87 रुपए 33 पैसे मिल रहा है और पेट्रोल 84 रुपए 34 पैसे मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि डीजल का दाम कम हो गया, पेट्रोल डीजल का दाम ज्यादा हो गया और पेट्रोल का दाम हाई कर गया। ये कैसे है कि डीजल का दाम कम हो गया और पेट्रोल का दाम घट गया। ये दुनिया में पहली दफा ऐसा देखा जा रहा है कि पेट्रोल का दाम कम हो गया और डीजल के दाम सबसे ज्यादा हो गया। इसलिए केंद्र सरकार के खिलाफ में, केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ में, केंद्र सरकार के जुमलेबाजी के खिलाफ में आज जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक ने विरोध किया है और उसके खिलाफ आक्रोश पार्ट निकालकर पैच लाकर अपना आक्रोश बैलगाड़ी से आ जा पाए हैं। क्या कहेंगे इसको सर? देश में यही आने वाला है सर। केंद्र सरकार के पास कोई विजन नहीं है भविष्य का, इसीलिए वो सिर्फ पूंजीवादियों के बारे में सोच रही है, तेल एजेंसियों के बारे में सोच रही है, वो गरीब किसान मजदूर के बारे में नहीं सोच रही है। जो किसान पंपिंग डीजल पंपिंग से चलाते हैं उनके बारे में नहीं सोच रही है, जो ट्रक मालिक डीजल पे चलाते हैं उनके बारे में नहीं सोच रही है, जो टेम्पो ड्राइवर डीजल और पेट्रोल या पिकअप से टेम्पो चलाते हैं उसके बारे में नहीं सोच रही है, वो पेट्रोल कंपनी के बारे में सोच रही है। इसीलिए आज हम लोगों ने ये फैसला कर लिया है जन अधिकार पार्टी माननीय चंद्रशेखर पप्पू यादव जी की अगुवाई में, आज हम लोगों ने बाइक चलाने का काम करेंगे ताकि केंद्र सरकार की आंख खुले और जनता भी जाके, जनता मैं विनम्र निवेदन विनती करता हूँ कि वह लोग केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश करें और अपनी आवाज को बुलंद करें। क्या नाम है? ये जिला डॉक्टर, ये आक्रोश मार्च ये जिला कार्यालय से खान चौक, मौलागंज, कोतवाली चौक, शंका चौराहा, मिर्जापुर होते हुए ये आकर चौक पहुँची है। यहाँ पर हम लोग बाइक चलाकर अपना विरोध प्रदर्शन। क्या नाम हुआ? डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, जिला अध्यक्ष जिंदगी पार्टी। लास्ट सिलेंडर 300 रुपए में हम लोग खरीदते थे, अब ये 900 रुपए 800 रुपए में खरीदते हैं। कोई गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? आज इसको रिक्शा टांगे वाला आदमी है वो कहाँ से लाएगा? मोदी तो देने को दे दिया क्या, मगर उसका कोई जरिया नहीं लगाया गरीब के।
लिए ये तो सरकार धमाई धमाई है ना, कहाँ से लाकर के लगे? सब्सिडी भी नहीं जाता है, चार महीने से सब गरीब बैठा हुआ है। क्या नाम हो? पैसा नहीं आ रहा।